क्या हुआ अगर मैं पास नहीं हुआ, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं आज भी लेट उठा। ये कंटिन्यू थिंकिंग बहुत ही घातक एडिक्शन है। हम एडिक्शन उस चीज को कहते हैं जब हम किसी चीज को करने से ना नहीं कह सकते। क्या तुम सोचना बंद कर सकते हो? यदि नहीं तो डेफिनेटली तुम ओवर थिंकिंग के एडिक्टेड हो चुके हो। एंड दिस ओवर थिंकिंग इज किलिंग यू फ्रॉम इनसाइड। हमें पेन, स्ट्रेस और डिप्रेशन सभी ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ पीपल इस प्रॉब्लम से एडिक्टेड हो चुके हैं, बट दे थिंक यह एक छोटी सी प्रॉब्लम ही तो है। बुक पावर ऑफ नाउ, जो एकर्ट टोले द्वारा लिखी गई है, यह बुक आपको बहुत सी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में मदद कर सकती है, जैसे ओवर थिंकिंग, वरिंग एंड एंग्जाइटी, नेगेटिव थिंकिंग। उसी बुक में से मैं आपको आज 3 लेसन बताने जा रहा हूँ जो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। एज यू ऑल नो, हमारा शरीर एक पावरफुल मशीन है जो कंटिन्यू वर्क करता रहता है। जैसे कोई मशीन काम करने के बाद बंद कर दी जाती है, यदि हम किसी मशीन का यूज कंटिन्यू किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो मशीन खराब हो जाएगी। लाइक दैट आवर माइंड इज अ पावरफुल टूल ऑफ आवर बॉडी, उसी तरह हमारा दिमाग भी एक पावरफुल टूल है। यदि हम इसका यूज कंटिन्यू किए जा रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। क्या हुआ अगर मैं पास नहीं हुआ, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं आज भी लेट उठा। ये कंटिन्यू थिंकिंग बहुत ही घातक एडिक्शन है। हम एडिक्शन उस चीज को कहते हैं जब हम किसी चीज को करने से ना नहीं कह सकते। क्या तुम सोचना बंद कर सकते हो? यदि नहीं तो डेफिनेटली तुम ओवर थिंकिंग के एडिक्टेड हो चुके हो। एंड दिस ओवर थिंकिंग इज किलिंग यू फ्रॉम इनसाइड। हमें पेन, स्ट्रेस और डिप्रेशन सभी ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ पीपल इस प्रॉब्लम से एडिक्टेड हो चुके हैं, बट दे थिंक यह एक छोटी सी प्रॉब्लम ही तो है। लेकिन वे नहीं जानते कि यह ओवर थिंकिंग उन्हें अंदर से मार रही है। यदि तुम किसी को बाहर तेज बोलते हुए सुनते हो जो खुद से बात कर रहा हो, तुम उसे पागल कहते हो। उसी तरह हमारे ओवर थिंकिंग थॉट्स हमें भी उस इंसान से डिफरेंट नहीं बनाते हैं। यदि तुम ज्यादा सोचते हो तो यह रिपीटेटिव और यूजलेस नेगेटिव भी हो सकता है। तुम सोचते हो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है, बट यू डोंट नो माइंड ने तुम्हें अपने कंट्रोल में कर रखा है। ऑथर कहते हैं तुम ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से अपना अटेंशन देकर छुटकारा पा सकते हो, बट हाउ? प्रेजेंट पर फोकस करके। जब कोई तुम सिंपल टास्क कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब तुम अपने हाथों को धो रहे हो तो देखो कैसे पानी तुम्हारे हाथों पर गिर रहा है। साबुन की स्मेल को फील करो, पानी की आवाज़ को सुनकर और टॉवल की सॉफ्टनेस को फील करके। इन दी बिगिनिंग आप शॉर्ट टाइम के लिए ही प्रेजेंट में रहोगे, क्योंकि आपका माइंड पास्ट के थॉट को रिपीट करेगा या फिर फ्यूचर के थॉट्स को। जब यह होगा सिर्फ अपने माइंड को आपको यह ऑब्जर्व कराना है। आपको थोड़ा सा भी एंग्री नहीं होना है, आपको यह देखना है जो आपका दिमाग कर रहा है। आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है जैसे आप किसी अनदर पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑथर इसे थिंकर को देखना कहते हैं। थिंकर को देखकर तुम जल्दी ही रियलाइज करोगे कि यू आर नॉट योर माइंड। तब आपको पता लगेगा कि आपका टेंशन कहाँ है और आप क्या कर रहे हो। यदि आप प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करने लगोगे तो जल्द ही माइंड आपके कंट्रोल में होगा। देन यू विल रियलाइज दिस ट्रिक वर्क्स। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। अपने बचपन में हमें जब भी नेगेटिविटी और पेन होता है तो उसमें से कुछ पोर्शन हमारे अंदर रह जाता है। आफ्टर सम टाइम यह हमारे अंदर जमा होता रहता है, फाइनली फिर ये विशाल रूप ग्रहण कर लेता है। ऑथर इसे पेन बॉडी कहते हैं। कुछ लोगों में पेन बॉडी ऑल द टाइम एक्टिव रहती है और कुछ लोगों में सर्टेन थिंग्स और वर्ड उसके अंदर की पेन बॉडी को एक्टिव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आप किसी से सिंपल वर्ड कहते हो एंड वह बहुत एंग्री हो जाता है, यहाँ तक कि वह लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। तुम उसकी तरफ देखते हो और समझ नहीं पाते हो कि क्यों वह इतना सिंपल वर्ड्स में इतना एंग्री हो गया है। आई एम श्योर यह कभी कभार आपके साथ हुआ होगा। कोई आपसे एक बात कहता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और आप बहुत ही डिप्रेस्ड और एंग्री रहते हैं ऑल द टाइम। इसी को पेन बॉडी कहते हैं। पेन बॉडी तुम नहीं हो, यह एक मॉन्स्टर है जिसने तुम्हारी पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया है और यही तुम्हें फोकस्ड एंड अटेंटिव रहने नहीं देता। यह तुम्हें फील कराता है कि यह सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, बट ये तुम खुद से नहीं करते हो। एंग्री होना, डिप्रेस्ड होना, ये सब पेन बॉडी ही है, जो कि यह एक ईगो है जो तुम्हें किसी बाहरी कारणों से होता है। ऑलमोस्ट सभी के अंदर पेन बॉडी होती है। इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि इस पेन बॉडी को आपने कंट्रोल में कैसे करें। यदि हम इस पेन बॉडी को कंट्रोल में नहीं करते हैं तो यह हमें अपने कंट्रोल में कर लेती है। जब तुम प्रेजेंट में होते हो तब तुम इसे फील करते हो कैसे पेन बॉडी ने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रखा है।
कभी कभार आप डिप्रेस फील करते हो या फिर आपको गुस्सा आता है। यहाँ तक कि आप ये इमेजिन करने लगते हो जब आपको गुस्सा आता है कि आप किसी को कैसे पीट सकते हो। यदि आपके अंदर की पेन बॉडी बढ़ जाती है तो इसे उसी जगह पर रहने दो और देखो, पेन बॉडी को जज मत करो। जब तुम्हें पता लगता है यह तुम्हारे शरीर के अंदर की पेन बॉडी है तब यह तुम्हारे ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड धीरे धीरे अपना कंट्रोल करना छोड़ देती है और जितना आप प्रेजेंट में रहोगे आपके अंदर की पेन बॉडी उतनी ही कम हो जाएगी। यदि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होता है तो चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं कुछ टाइम के लिए बोलना बंद कर दूंगा, उस सिचुएशन में आप अपने माइंड को देखना और बताना मुझे तुम्हारे माइंड में कौन सा थॉट आया। अपने माइंड को उस तरह देखना जिस तरह एक बिल्ली चूहे का बाहर आने का इंतजार करती है। सो तुम्हें कोई थॉट नहीं आया होगा, आई एम श्योर। यदि तुम्हें कोई थॉट आया भी है तो यह थोड़े ही टाइम के लिए आया होगा। दिस इज द पावर ऑफ नाउ, यह प्रेजेंट में रहने की पावर है, इसे प्रेजेंट में होना कहते हैं। तुम देख सकते हो जब तुम प्रेजेंट में होते हो कि तुम्हारा माइंड तुम पर कंट्रोल तो नहीं कर रहा है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अब टाइम और माइंड सेपरेबल नहीं होते। यदि तुम माइंड को अपने प्रेजेंट की सीमा से बाहर ले जाते हो तुम्हारा टाइम डिसअपीयर हो जाता है। इमेजिन करो इस प्लेनेट पर कोई भी ह्यूमन नहीं है, सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। यदि तुम उल्लू के पास जाते हो और कहते हो हे अभी टाइम क्या है, उल्लू कहेगा व्हाट्स टाइम, तुम्हारा मतलब क्या है टाइम से, इट्स नाउ, टाइम अभी है। क्या हो जब पास्ट एंड फ्यूचर मून की तरह होते। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, एज यू नो यह सन से लाइट प्राप्त करता है। उसी तरह पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट से लाइट प्राप्त करते हैं, कोई दूसरा टाइम नहीं होता है प्रेजेंट के अलावा। एक बार जब हम इसे समझ जाते हैं हम इस टाइम का यूज प्रैक्टिकल टूल की तरह करते हैं। ऑल पीपल थिंक फ्यूचर थिंकिंग करना हमें हैप्पी बनाता है, बट जब तुम फ्यूचर में रहते हो तुम प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाते हो। तुम उसे पाना चाहते हो जो तुम्हारे पास प्रेजेंट में नहीं है और तुम प्रेजेंट से हेट करने लगते हो, या फिर ऑल द डे तुम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हो जो तुम्हें बहुत ही डिप्रेस्ड एंड सैड फील करवाता है। दैट्स व्हाई तुम्हें अपने पास्ट एंड फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को स्टॉप करना पड़ेगा, जिसका एक रास्ता है बीइंग इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहकर जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उस पर फोकस करो एंड प्रेजेंट को एंजॉय करना मत भूलो। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।